जी, मेरा नाम है मेहुल भोजक और ये जो हम गाना कर रहे हैं हिंदी एल्बम है उसका नाम है फासले कम, जिसकी लिरिक्स म्यूज़िक कंपोज और गाया है अरविंद चौहान जी ने। इट्स अ वेरी पैपी लवली रोमांटिक सॉन्ग। मेरी को एक्टर है अनु जी और हमारे डायरेक्टर है अज़र हुसैन और क्रिएटिव डायरेक्टर है नास। और अज़र और नास जो है, मतलब मैं उनकी प्रोफेशनली तो डायरेक्टर और क्रिएटिव है, तो मेरी ये फैमिली है। मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। आई एम श्योर अनु जी के साथ काम करके मुझे और अच्छा लगेगा एंड आई होप कि हम फ्यूचर में भी आगे काम करते रहेंगे। एंड जो गाना है, जो प्यार भरा रोमांस दिख रहा है, वही केमिस्ट्री हम गाने में दिखाएंगे एंड आई एम श्योर ऑडियंस देखेगी तो उन्हें पसंद आएगी और दे विल अप्रिशिएट अस। और अपने बारे में बताइए, मतलब किस तरह का आपने पहले प्रोजेक्ट किए हैं, ये आपका डेब्यू है, मतलब म्यूजिक वीडियो भी किए हैं इसके बारे में? जी डेफिनेटली, मैंने मेरे करियर एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफ स्टार्ट किया था, उसके बाद मॉडलिंग एक्टिंग की है। मैंने सबसे पहली फिल्म आई थी धूम, जॉन अब्राहम वाली, जिसमें 5 बाइकर्स थे रॉबर्स, उसमें से एक मैं था। देन वैसी बड़ी फिल्म एक और की थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सुल्तान मिर्ज़ा वाली, अजय देवगन इमरान हाशमी के साथ। सो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की है। अभी रिलीज पे 2 बड़ी वेब सीरीज़ है, एक है दल्ला अश्मित पटेल के साथ है, एक है यूपी बेस्ड जनपद गुंडा। सो और टेलीविजन शोज तो मैं बहुत कर चुका हूँ एंड बस ऊपर वाले का ऐसे ही आशीर्वाद रहेगा तो आगे काम करते रहूँगा। इस म्यूजिक की बात करें, कैसे आपकी कास्टिंग हुई, आपने कैसे कास्ट की? अज़र भाई, मैंने कहा ना कि जैसे हम फैमिली है और जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ होती है जिसमें परफॉर्म करना होता है, लाइक रोमांस दिखाना है या एक्टिंग दिखानी है, तो वो सबसे पहले मेरे नाम ही हमेशा करते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे ये गाने के लिए ऑफर दिया एंड अनुज से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, केमिस्ट्री अच्छी लगी एंड टुडे आई एम हियर। गाना किस तरह का है, उसके बारे में बनाएंगे, मतलब क्या रोमांटिक है, कहाँ? फासले कम, आप उस सुन के ही आपको समझ में आएगा कि फासले कम मतलब दूरियां दूर करनी है। दो जो कपल है वो आपस में इतने करीब आए, प्यार करे, उनकी जो एक केमिस्ट्री, रोमांस, एक गहरा प्यार, उस टाइप का है और उसी को लेके ये स्टोरी उसने कॉन्सेप्ट बनाया है, जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट समझ लीजिए कि एकदम शिद्दत वाला, प्यार वाला है, जो फासले कम करना है। कहाँ पे शूट होने वाला है? जी, हम इनकी शूट मुंबई में कर रहे हैं। माय नेम इज अनु कश्यप। और ये गाना आपको कैसे मिला, आप कहाँ से, मतलब कास्टिंग हुआ? ये गाना अज़र मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया, कहा कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है अनु, क्योंकि ये कितना प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है जो अज़र को लगता है मुझे सूट होगा इसीलिए बस इस पर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और देखिए, आप सब लोग को अच्छा लगेगा। आए हो, आपने काफ़ी सारी प्रोजेक्ट किए हैं, काफ़ी मतलब बीच में गैप हो गया, फिर कम बैक, उसके बारे में बताइए, आपने मतलब इतना लॉन्ग टाइम कहाँ थे? मैं काफ़ी सारी फिल्म कर चुकी हूँ, 17 में लीड विद मिथुन, धर्मेंद्र, निर्मल पांडे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ, पर मेरा बीच में थोड़ा गैप हो गया था। अभी ये मेरी री एंट्री है तो अभी मैं रुकूंगी नहीं, तो चालू रहेगा म्यूज़िक वीडियो कभी। अभी मेरी 3 साउथ की मूवी आने वाली है, प्लस हिंदी मूवी, वेब सीरीज़ वापस अज़र के साथ, ये सब चलता रहेगा। बताएंगे डायरेक्शन, मतलब किस तरह का रहेगा, आपने कुछ डिस्कस हुआ है, कहाँ कहाँ शूट होने वाली है गाने का? शूट बॉम्बे में ही होगा और सब फिर अज़र संभाल ही लेगा, जहाँ जहाँ होगा मैं चलती रहूँगी बस। मतलब ब्रीफ किए हैं, मतलब किस तरह गाना है, रोमांटिक है? रोमांटिक है, बहुत अच्छा है मैंने सुना है, और फिर आप सब देखकर डिसाइड करेंगे और कितना अच्छा बना। कैसे आपको चूज किया, मतलब इस गाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए? मैंने बताया ना, गाना सुनते ही उसको ये लगा कि अनु को करना चाहिए। अच्छा, गाना किसने बनाया है, ये म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर? हाँ, अरविंद जी हैं जिन्होंने म्यूजिक दिया है, वो ही सिंगर हैं और उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और मेरी भी उनके लिए बेस्ट विशेज़ है उनको। कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो अभी, अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से आने वाले, उसके बारे में बताइए? ओ, मैं नहीं बताऊंगी एक के बाद एक तो पता चलता रहेगा। आप अपने मेहुल जी के साथ करने जा रही हैं म्यूजिक वीडियो, तो कितना कंफर्ट जोन में है मेहुल जी के साथ शूट करना है? एक्चुअली एक हैंडसम बंदे के लिए मैं और क्या बोलूंगी, हैंडसम है बंदा, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं। और थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यू आल्सो ब्यूटीफुल एंड थैंक यू। चीज होती है काम करने में कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो, एक ट्रस्ट हो, केमिस्ट्री हो,
कि जब काम करे तो लोगों को लगे कि यार अगर ये गाने में हम प्यार दिखा रहे हैं तो सच में लगे कि यार ये रियल कपल है, दे आर शोइंग दैट अच्छी जोड़ी है, अच्छी जोड़ी है और सच में प्यार करते हैं, वो अटेंशन एक अट्रैक्शन जो होता है वो बाहर आना चाहिए। एक्चुअली मैं इस सॉन्ग में एसोसिएट कर रही हूँ अज़हर हुसैन सर को, एंड दो प्यार करने वालों के फासले कम हो रहे इस गाने के ज़रिए और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और खूबसूरत अंदाज इसलिए क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर सर है अज़हर हुसैन सर, उनका एक अपना जॉनर है, जितने पिछले हमने जितने भी म्यूज़िक एल्बम किए सब रोमांटिक थे और वो सभी रोमांटिक सॉन्ग्स को आप सभी ने इतना प्यार किया, इतना पसंद किया, तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि और बेहतर बेहतर से बेहतर करके आपके सामने कुछ नया लाए। तो जैसे ही ये सॉन्ग हमारे पास आए, एक्चुअली तो बहुत सॉन्ग्स आते हैं हमारे पास, लेकिन कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि सुनते ही वो फील होते, और ये सॉन्ग सुनते ही बहुत फील हुआ, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं इस पर वर्क करना चाहिए। और इसके बाद कास्टिंग के बारे में सोचा तो हमें इसमें अनु जी बहुत ही परफेक्टली फिट लगे, और उनके साथ जिन्होंने धूम में धमाकेदार परफॉर्मेंस में धमाल मचा दी थी हमारे एक्टर मेहुल भोजक जी, जिनके साथ हम दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं और मेरी टीम बहुत खुश है कि एक और धमाकेदार सॉन्ग हम शूट करने बहुत जल्दी फ्लोर पर जाएंगे और एक इंटरटेनिंग सॉन्ग आप सबके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तो अजय जी के बारे में बताइए, क्या आपने सीखा उनके साथ एसोसिएट करते, कितना कुछ मतलब लगता है उनसे? मैंने एक ही चीज़ सीखी है, बस काम करते रहो, काम करो और सिर्फ काम करो। बहुत सारी चीज़ लाइफ में आती है, आती ही रहेगी और आई भी थी, लेकिन आप अपने काम पर फोकस करो और सिर्फ काम करो, और वो जितना पैशनेटली काम करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम पर फोकस नहीं देते, उनकी सबसे अच्छी बात है कि वो कभी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं देते, वो हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस देते, और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। कहाँ कहाँ पर शूट होने वाला गाना आप बताएंगे इसके बारे में? ये तो मुंबई में ही शूट होगा, और स्पेशली हमने बहुत सारे सेट्स लगाए हैं इस सॉन्ग के लिए, तो ये बहुत ही सुपर डुपर सॉन्ग होने वाला है। कभी तक आने मतलब ये रिलीज हो जाएगा अपन के लिए तैयार? इंशाल्लाह एंड ऑफ जून। कभी फ्लोर पे कभी जाएंगे शूटिंग पे? हम जून के सेकंड वीक में जा सकते हैं। मेरा नाम है फासले कम, और इस म्यूजिक वीडियो में जो लीड कर रहे हैं हमारे दोस्त फिल्म एक्टर मेहुल भोजक, साथ ही साथ अनु कश्यप जी लीड कर रही है। म्यूजिक को बनाया है अरविंद सिंह चौहान ने, और लिरिक्स भी उन्हीं का है और गाया भी उन्हीं ने है, सिंगर भी वही है। और इस म्यूजिक वीडियो को जो एज अ डी ओ पी कुंदन रोशन जो कर रहे हैं, मुंबई में हम लोग शूट करने वाले हैं। और रही बात इस म्यूजिक के बारे में सोचना हमारा कैसा हुआ, एक्चुअली हम बहुत टाइम से एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सर्च कर रहा था मैं, जैसे कि मैंने लास्ट एक म्यूज़िक वीडियो हिट दिया था इश्क गुना है विद राहुल रॉय और शाहीन खान, तो उस म्यूज़िक वीडियो के बाद से मैं तैयारी फिर से कर रहा था कि एक नया म्यूज़िक वीडियो फिर से ऐसा लाया जाए जो कि बहुत ही शानदार हो। और उससे पहले भी एक म्यूज़िक वीडियो में मेहुल भोजक जी के साथ कर चुका हूँ मैं, जिसका नाम तुस्सा नहीं ख्वाब कोई, वो जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ हुआ है, आप देख सकते हो यूट्यूब पर जाकर, जी म्यूज़िक से रिलीज़ है वो। और तो इश्क गुना के बाद जो हमने जो गाना डिसाइड किया अनु जी के साथ मिलके, मतलब ये गाना डिसाइड करने में अनु जी ने मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि जब मैं गाना जब डिसाइड कर रहा था काफ़ी सारे म्यूज़िक रोमांटिक सॉन्ग, तो अनु जी को मैं डिस्कस करता था कि ये गाना कैसा रहेगा हमारे लिए ऐसा, तो फाइनली डिसाइड हुआ फासले कम। तो फासले कम कैसा था कि जब किसी के बीच में एक दूरियां बन जाती है ना, उस फासले को हम कम करना चाहते हैं इस गाने के जरिए। और इस पूरी म्यूजिक वीडियो को वो जो कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइन किया है वो नास काजी ने डिज़ाइन किया है, और हमारा होल प्रोडक्शन पूरा मैनेजमेंट शाहिद भाई शाहिद खान साहब है जो हमारे साथ मिलकर करे, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि पहले भी गाने में हमारे साथ में प्रोडक्शन वही करते थे। और मीडिया का अक्सर मेरे सपोर्ट मिलता है, महानगर मेल हो गए, नेशनल समाचार हो गया, सीजन मीडिया हो गया, न्यूज़ टुडे इंडिया हो गया, बॉलीवुड अड्डा हो गया, यानी कि मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी सबका सपोर्ट मिलता है, जैसे कि हमारे आर्टिस्ट को, हमारे को एक्टर्स को, टीम को प्रमोट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आगे आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए हमें, हम आपके सामने और भी इसी तरह म्यूजिक वीडियो लाते रहेंगे बैक टू बैक काम करते रहेंगे। और हमारा फ्यूचर में और भी प्लान है, एक वेब सीरीज करने का, कुछ बड़े चैनल्स OTT के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें अनु जी भी हैं हमारे साथ में, मेहुल जी भी हैं और हमारे साथ में, और जो जुड़े टीम हैं, को एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज, वो सब जुड़े हुए हमारे साथ में, जुड़े हुए अजय जी के प्रोडक्शन से। सर मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ अजहर भाई के साथ, और प्रोडक्शन मैनेजर ही हूँ मैं शुरू से एंड तक, बट इसका जो है काम करने का जो तरीका है अजहर भाई का, वेल एंड गुड।
बहुत अच्छा, उनको देख कर जो है वो अजहर भाई की है, बाकी हम लोग तो सिर्फ उनके इशारे पे ही। बहुत अच्छा है जो जो ऐसा काम करने का जो है तरीका, दो ही तीन या चार याद है मुझे, बाकी तो याद नहीं है। काफी किए हुए हैं, काफी टाइम से चार गाने कर चुके हैं जो हमें अभी तक याद है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा काम करने का तो तरीका बहुत अच्छा है। बहुत नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, जैसा हम हंस खेल के काम कर लेते हैं वैसा कोई नहीं कर सकते। अजय जी के साथ जुड़े हुए कैसा लग रहा है, मतलब किस तरह गाना होने वाला है? गाने अच्छे करते हैं और हमेशा अच्छे करते रहेंगे, ये दुआएं हमारी इनके साथ हमेशा रहेगी। और जो नया गाना है फासले कम, इस गाने के लिए मैं महुल जी को और अनु जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पहले भी गाने कर चुके हैं, ये गाना अच्छे लेवल पे जाए, अच्छा अच्छा शूट हो, मेरी ये शुभकामनाएं इनके लिए हैं। काफ़ी पुरानी आपकी जर्नी दोस्ती है उनके, उसके बारे में बताइए क्या क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं और क्या क्या किया आपने अजय जी के साथ? अजय जी मेरे भाई हैं, दोस्त नहीं हैं, छोटे छोटे भाई की तरह हैं वो, बिल्कुल छोटे भाई हैं। और हम लोग मिलकर काम करते रहते हैं, चाहे मीडिया काम हो, किसी फिल्म का प्रमोशन का काम हो। और आपको याद ही होगा भी हमने पिछले बार किया ही था, उसका तो आपको मालूम ही है। बाकी मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ हैं, साथ रहेंगी जी। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा, अजीत सिंह मेरा नाम है और मैं डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और अजहर भाई से काफ़ी पुराना हमारा संबंध है। और इस गाने को भी मैं डिजिटली जितना भी प्रमोट हो सकता है उतना मैं अपने लेवल पे करूँगा। और मेरा एक चैनल नेशनल समाचार, जो कि बताया कि मीडिया पार्टनर के रूप में मैं जुड़ा हूँ इनसे। और साथ में मेरी पूरी टीम को शुभकामनाएँ हैं कि जो ये फिल्म बना रहे हैं, जो ये म्यूज़िक एल्बम इनका आ रहा है, ये सक्सेस हो, काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि आजकल क्या है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, रोमांटिक चीज़ें चाहिए सुनने को, क्योंकि बड़े बोर हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ें देख के। तो मैं यही सब इनको कामना करता हूँ कि इनका जो है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।